आज हम सीखेंगे आटा गूंदना। यहाँ हम 5 से 6 लोगों के लिए आटा गूंदेंगे। सबसे पहले ऐसी 4 कटोरियां आटा थाली में डालें। इसके बाद इसमें बीच में पानी डालने के लिए जगह बना लें, कुछ इस तरह से। अब आप इसमें 1 गिलास पानी डाल लीजिए। पानी हो गया, अब इसके बाद इसे अच्छी तरह से आटे में मिला लीजिए। इसी तरह से जो बाकी जो 50 दूसरे गिलास का जो पानी है उसे थोड़ा थोड़ा मिला के आटा को इकट्ठा करते जाए उस पानी से। इकट्ठे आटे को एक जगह रखते जाए और जो बाकी का जो आटा इसमें आपको थाली में है उसको भी इकट्ठा थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इकट्ठा करते जाए। इसी तरह से इकट्ठा करने से आटा चिकना और सॉफ्ट होने लगेगा। उसके बाद आटे में धीरे धीरे मुक्के मारें ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। एक से 2 मिनट तक आपको ऐसे ही करना है इसी प्रकार से। जब आटा पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है तो आप उसमें उंगली लगाकर एक बार देख लीजिए कि आटा आपका सॉफ्ट हो चुका है। आपको और अगर सॉफ्ट करना है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी और मिला लीजिए और उसमें फिर दोबारा से धीरे धीरे मुक्के मारना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आटा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये लीजिए, आपका आटा तैयार है। अब आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा रख लीजिए। 5 मिनट के बाद अब आप इस आटे से रोटी बना सकते हैं।